हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवयानी इंटरनेशनल। के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा जिसमें आज बहुत बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते शेयर प्राइस में भारी गिरावट की सिचुएशन बनी हुई है। जी हाँ, यहाँ पे भारी गिरावट की सिचुएशन स्टॉक में बनी हुई है, परंतु गिरावट में मुझे लगता है यहाँ पे एक्यूमुलेशन का बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही यहाँ पे बढ़िया ब्रेकआउट हुआ था और इसके बाद कहीं ना कहीं रीटेस्ट की तरह ये एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देवयानी इंटरनेशनल के बारे में पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बात करना चाहूंगा अभी यहाँ पे एक मार्केट प्राइस क्या चल रही है उसकी, तो डेफिनेटली देवयानी इंटरनेशनल पहले तो गूगल पे लेकर के आना चाहूंगा, और यहाँ पे आपके सामने है, आप देख सकते हो 187 पे प्राइस चल रही है। यहाँ पे अभी भी 5% की गिरावट आपको नजर आ रही है। हाल फिलहाल में रिटर्न की प्रोफाइल देखें तो एक वीक में अभी 10% डाउन है, परंतु पिछले एक महीना बढ़िया है, 15% का गेन, पिछले 6 महीने में 20%, यहाँ पे 2022 में 10%, एक साल के टाइम रिजन पे 63%। वन ऑफ द सक्सेसफुल आईपीओ है, जो कि यहाँ पे आईपीओ प्राइस और इसके बाद ऑल टाइम हाई लगाने में कामयाब रहा है। बाकी मोस्ट ऑफ द आईपीओ अपने जो आईपीओ प्राइस से भी नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ब्रांड है, आपको KFC पता ही होगा, यहाँ पे KFC चिकन जो इसके पीछे के ब्रांड है देवयानी इंटरनेशनल की। तो पहले तो खबर क्या है वो बताना चाहूंगा, यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपके सामने लेकर के आया हूँ, देवयानी इंटरनेशनल शेयर डिक्लाइन 7% ऑन रिपोर्ट ऑफ ह्यूज ब्लॉक डील। तो एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील आज होने वाली थी, ऐसी यहाँ पे जानकारी बताई गई है। हालांकि पर्टिकुलर नाम नहीं बताया गया है कि किसने कितने शेयर खरीदे, किसने कितने शेयर बेचे, परंतु यहाँ पे जो 26.4 मिलियन शेयर यहाँ पे 2.33% यहाँ पे जो है हिस्सेदारी वो यहाँ पे बिकने वाली थी, चेंज हैंड होने वाले थे, यहाँ पे ऐसा रिपोर्ट है। हालांकि पहले रिपोर्ट आ रही थी शेयर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड करके यहाँ पे जो है वो अपने 3% की हिस्सेदारी 182 से लेकर 196 रुपये के भाव पे बेचने वाले थे, जो कि यहाँ पे ये डील एक्सपेक्टेड थी, परंतु आज की डील यहाँ पे क्या हुई है, किसने बेचा है माल वो यहाँ पे पता नहीं चला है। 16.6 यहाँ पे 2.6% की हिस्सेदारी वो यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल में होल्ड करते हैं एज पर द लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसके चलते यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल में गिरावट की सिचुएशन है। मुझे लगता है गिरावट में माल को डेफिनेटली दबोचा जा सकता है। यहाँ पे NSE की वेबसाइट पर लेके आए हुए 186 रुपये पे प्राइस चल रही है, प्रीवियस क्लोजिंग 196, ओपन 185, हाई 188, लो की बात करें 184 के आसपास। जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है अभी तक की 11 बजे तक की, वो आपके सामने 1,37,00,000 शेयर की ट्रेडिंग, 62,58,000 शेयर की डिलीवरी और 45% से भी ज़्यादा की डिलीवरी परसेंटेज उठती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे इन्वेस्टर इसमें करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा, नेक्स्ट लेवल टारगेट। मुझे लगता है गिरावट में माल एग्जैक्ट कौन से लेवल के आसपास यहाँ पे आकर के रुक सकता है, जानकारी लेने के लिए आपको डेफिनेटली वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आए हो देवयानी का चार्ट आपके सामने, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए आईपीओ आया था लगभग लगभग अगस्त के आसपास लास्ट ईयर, उसके बाद इसमें हाई बनता है लगभग लगभग 200 के आसपास का, वहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे की तरफ 140 के आसपास संभलने की कोशिश करी। फिर यहाँ पे देखिए तो जून के आसपास यहाँ पे रैली चालू हुई थी, 200 का लेवल टूट जाता है, 215 का हाई बना करके इसमें अभी गिरावट की सिचुएशन 2 वीक से नज़र आ रही है। 186 के आसपास प्राइस चल रही है, मुझे लगता है 170-175 का जो जोन है, जे 170 से 175 का जो जोन है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है इसी प्राइस के आसपास आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए और प्राइस यहाँ पे आके पोस्ट ले सकती है। यहाँ पे EMA का भी सपोर्ट है और यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे भी सपोर्ट है, मुझे लगता है यहाँ से फिर से 200 तक की जर्नी तय कर सकता है। अभी 200 का लेवल अपने आप में एक हर्डल का जोन है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर लेते हो तो 200 के बाद आप प्रॉफिट अपना बांध सकते हो 170-175 के आसपास एंट्री लेकर के, और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना चाहो तो 170 अपने आप में एक अच्छा बाइंग जोन है, वहाँ पे आप एक्युमुलेशन कर सकते हो और इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखा रहा है इसका लेवल 58 का है, वॉल्यूम ठीक ठाक नज़र आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि देवयानी इंटरनेशनल को आप स्टडी करिए और इसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजिशन बनाने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कॉरोडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।